गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क यानी समय एंड और कार्य, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है काफी एफकेट के पर्सपेक्टिव से, एफकेट और अदर एग्जाम्स में, जैसे यूपीएसआई का एग्जाम हो गया, यूपीएसआई के एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, सीडीएस का एग्जाम हो गया। तो टाइम एंड वर्क और समय और कार्य के क्वेश्चन हर में हर जगह को देखने को मिलेंगे। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, उन्हीं के साथ मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टिपिकल इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डीप प्रैक्टिस या फिर बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग की जरूरत है। बस कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऐसे जो हमें समझने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक मैं छोटा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? एक बेसिक मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। सपोज करो कि कोई ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है। ये ए जो है किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को 15 दिन में खत्म कर देता है। मतलब सपोज कार्य क्या है, ये सब मान लो कि इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था ट्यूबलाइट बनाने का, बल्ब बनाने का, ठीक है ना? और उन बल्ब जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो ए क्या करता है कि वो जितने भी बल्ब बनाने के से कॉन्ट्रैक्ट मिला वो 15 दिन में बना देता है सारे के सारे। ऐसे ही बी क्या करता है, बी उस सारे के सारे बल्ब को सिर्फ 10 दिन में बना देता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बस हमें इतना क्वेश्चन पता है, और फिर उन्होंने पूछ लिया कि अगर ए और बी एक साथ मिल जाए, ठीक है, तो जो टोटल काम इन्हें मिला था, यानी जो भी इन्हें बल्ब बनाने का काम मिला था, वो कितने दिन में खत्म कर देंगे अगर एक साथ मिल जाए। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो इन्हें काम मिला था वो मिला था 30, यानी इन्हें 30 बल्ब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब ये 30 आया कहाँ से, 30 आया इन दोनों का एलसीएम लेके। अगर मैं 15 और 10 का एलसीएम ले लूं, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तर समावर्तक ले लेता हूं, तो इसका एलसीएम दोनों का आएगा 30। तो वही 30 यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब ये तो हो गया टोटल काम कि कितना कार्य इन्हें करना है। जैसे सपोज करो 30 बल्ब बनाने का काम था इन्हें, तो 30 बल्ब बनाने हैं, ठीक है? तो ए यानी ए एक दिन में सिर्फ 2 बल्ब बनाता है और बी एक दिन में 3 बल्ब बनाता है। ये जो लिखा है मैंने यहाँ साइड पे, ये लिखा है एक दिन का काम, कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है? तो ए एक दिन में 2 बल्ब बनाता है, बी एक दिन में 3 बल्ब बनाता है। अगर तुम 30 को 10 से डिवाइड करोगे, अगर 30 को 10 से भाग दोगे तो 3 आएगा, और 30 को 15 से भाग दोगे तो 2 आएगा। तो वही मैंने लिखा है 3 और 2, ठीक है? यानी बी एक दिन में 3 बल्ब बनाता है, ए एक दिन में 2 बल्ब बनाता है। तो ये दोनों इन एक ही हमें पता चल गया, एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। अब इन्होंने बोला दोनों अगर साथ मिल जाए तो यानी दोनों अगर साथ मिल गए तो ये एक दिन में 5 बल्ब बनाएंगे, ठीक है भाई? ये दोनों अगर साथ मिल गए तो कितना काम करेंगे, 5 बल्ब बना लेंगे। तो अगर एक दिन में 5 बल्ब बनाएंगे तो 30 बल्ब कितने दिन में बना देंगे, 30/5 यानी 6 दिन में, ये आंसर होगा। समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन पिक करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यादव जी कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू गेट, इसमें मैंने इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में भी मैंने डाले हैं, पर पहले 2 क्वेश्चन इंग्लिश में ही हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन में मैं हिंदी में तुम्हें समझा दूंगा, उसके थ्रू तुम उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। यादव जी कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू गेट अ वर्क डन इन 50 डेज बाय 50 लेबरर। ये बोलना चाह रहा है कि यादव जी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास 50 दिन में कोई काम कराने के लिए आए हैं, तो मतलब कोई भी इन्हें काम करना है। कॉन्ट्रैक्टर तो कोई बिल्डिंग बनानी है, सपोज करो कोई बिल्डिंग बनानी है, और वो बिल्डिंग बनानी 50 दिन के अंदर अंदर, ठीक है? और इनके पास जो लेबर है, लेबर जो होती है वो लेबर है वो भी 50 है, लेबर भी 50 है, मतलब 50 आदमी है काम करने के लिए। बट 40 दिन बाद यादव जी को रियलाइज होता है कि 40 दिन तो गुजर गए बट काम सिर्फ आधा ही हुआ है, यानी 50% काम हो पाया सिर्फ 40 दिन गुजर जाने के बाद भी, ठीक है? 40 दिन निकल गए बट काम कितना हुआ, 50, पर काम तो 50 दिन के अंदर करके देना था। ऑफ द वर्क इज डन। तो उसने बोला कि यादव जी अगले 10 दिन के लिए, यानी अगले जो 10 दिन बचे हैं, उन 10 दिन के लिए यादव जी कितने आदमी को और रखें अपने पास जो काम
टाइम पर हो जाए। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यादव जी को एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या थी? शर्त ये थी कि 50 दिन में बिल्डिंग बन जानी चाहिए, ठीक है। तो यादव जी ने सोचा कि 50 दिन में बिल्डिंग बनानी, तो मैं 50 आदमी अपने पास रख लेता हूँ, 50 लेबरर बोला उसने, ठीक है। बट जब 40 दिन गुजर गए, 40 दिन तक काम चलता रहा, 40 दिन निकल गए, 40 दिन बाद यादव जी को पता चलता है कि बिल्डिंग तो अभी आधी ही बनी है, अभी आधा काम बाकी है, यानी 50% काम हुआ, जितना काम होना था उसका 50% काम हो गया। तो अब दिन कितने बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। अब इन 10 दिन में यादव जी इन 50 बंदों के साथ, जो 50 उन्होंने लेबर रखी, इस 50 बंदों के साथ में कितने और बंदे ऐड करें, यानी और बंदे नए लेकर आए जो काम 10 दिन के अंदर पूरा हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए कैसे करेंगे कि यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, मैन M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। मैं इस फॉर्मूले को समझाता हूं। M क्या है यहां पर? आदमी, कितने आदमी, कितनी लेबर है। D क्या है? कितने दिन। H क्या है? कितने घंटे, ठीक है ना। और W क्या है? कितना काम किया है, वर्क। W फॉर वर्क, वर्क मतलब होता है काम। इतनी इंग्लिश तो मतलब आई होप सबको आती है, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली यू आर अ ग्रेजुएट, तो तुम्हें वर्क का मतलब पता है, कार्य। M2 का मतलब है आदमी, यानी M2 मतलब जो दूसरी लेबर है। फिर ये भी डे है, H2 भी डे है, R है, और W2 मतलब काम। अब हमें यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है उन उनको पुट कर देते हैं, जो गिवन नहीं है उनको छोड़ देते हैं। तो M1 कितना है? हमें 50 आदमी थे सबसे पहले, उन 50 आदमी ने 40 दिन काम किया, 40 दिन काम किया, और कितना काम कर दिया 40 दिन में? आधा काम कर दिया, 50% कर दिया, तो आधा लिख दिया मैंने। अब काम कितना बचा है? आधा काम बचा है, तो आधा काम बचा है। और इस में हमें कुछ नए आदमी और जोड़ने, पर हमें पता नहीं कितने जोड़ने, तो मैं लिख देता हूँ 50 प्लस x, नए आदमी आएंगे वो हो गए x, और कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये कट गया 4 बार, हाफ से हाफ कट गया, सॉल्व करो हो गया 200 इक्वल टू 50 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। तो हमारा आंसर होगा 150। कितना आंसर होगा? 150। यानी यादव जी 10 दिन के लिए वो 50 तो रखे 150 और बंदे हायर करे, और बंदे लेकर आए, तो दो टोटल 200 बंदे काम करेंगे, तो ये काम 10 दिन में जो 50% बचा है वो काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 आदमी और 9 विमेन, मतलब 10 आदमी और 9 औरत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, कोई भी काम 20 दिन में कर सकते हैं। यानी 10 आदमी प्लस एंड का मतलब है यहां पर जोड़, 9 विमेन किसी भी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। द सेम वर्क कैन बी डन बाय 6 मैन एंड 12 विमेन इन 30 डेज, अगर वो 6 आदमी और 12 औरतें होती तो वही काम 30 दिन में हो जाता। तो हमसे पूछा है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करके दे सकते हैं, ये पूछा है हमसे। तो इस क्वेश्चन को, इन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल मेथड है कि ये दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल रख दो 6 मैन प्लस 12 विमेन मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसका क्या मतलब? देखो दोनों काम कर रहे हैं सेम, ठीक है। जो 10 आदमी और 9 औरत मिलके जो काम कर रहे हैं वही काम 6 आदमी और 12 औरतें मिलके कर रहे हैं, तो दोनों का काम सेम है, बट यहाँ पर नंबर कम और ज्यादा किए गए हैं, तो दिन भी कम ज्यादा लग रहे हैं। तो हमने दोनों के काम सेम होने की वजह से दोनों को रख दिया इक्वल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, और इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 20 एम प्लस 18 डब्ल्यू, और यहाँ पे हो गया 18 एम प्लस 36 डब्ल्यू। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 2m इक्वल टू आ गए 18 डब्ल्यू, और 1m की वैल्यू आ गई 9 डब्ल्यू। यानी एक आदमी की जो क्षमता है वो 9 औरतों के बराबर है, ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन निकल कर आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे कि 10 आदमी प्लस 9 औरत अगर मिल जाती हैं मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 1m प्लस 1w इंटू x। अब ये रख दिया भाई,
एक आदमी और एक औरत को मिलके भी तो उतना ही काम करना है, पर हमें दिन नहीं पता है कितने दिन में करके देंगे, हमें यही तो निकालना है। पर काम तो उतना ही है जितना ये कर रहे थे, उतना ही काम ये करेंगे, तो हमने फिर से दोनों को इक्वल रख दिया। बट अब हम क्या करेंगे, जो 10 आदमी है, है ना, एक आदमी कितने औरतों के बराबर है, 9 औरतों के बराबर है, तो 10 आदमी कितने औरतों के बराबर हो गए, 90 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20, और यहां पर रख दिया एक आदमी 9 औरतों के बराबर है, 9 औरत प्लस एक औरत इनटू एक्स, तो ये हो गया 99। ठीक है, 99 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल हो गया 10 वुमेन एक्स। डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 198। अगर 99 में 2 की मल्टीप्लाई करवाएगा 198, तो यानी एक आदमी एक औरत इस काम को 198 डेज में कर सकता है। ये क्वेश्चन था, सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं, 12 मैन कैन टेक कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज। उसने बोला कि कोई 12 पुरुष किसी भी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। 30 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्क, 2 मैन लेफ्ट एंड 8 जॉइन। मतलब पहले 12 थे, इन 12 लोगों ने 30 दिन काम किया, ठीक है, फिर इन 12 लोगों ने 30 दिन काम किया, उसके बाद क्या होता है, 2 आदमी चले जाते हैं, 2 आदमी चले गए यानी 10 बचे, पर 8 बढ़ जाते हैं, यानी अब टोटल 18 आदमी हो चुके हैं। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो इन्होंने बोला जो 30 दिन में काम हो चुका था वो तो हो चुका है, उसके अलावा जो काम बचा है वो कितने दिन में हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। 12 पुरुषों के काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 30 दिनों के बाद 2 पुरुष चले जाते हैं। वही कि 12 थे, 30 दिन काम किया, 2 दिन मतलब 30 दिन काम करने के बाद उनमें से 2 पुरुष चले गए। पर क्या होता है, 2 तो चले गए बट 8 आदमी और आ गए, तो अब टोटल 18 हो चुके हैं। तो उसने बोला जो 30 दिन काम हो गया वो तो हो गया, बट अब जो शेष काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं, इसने बोला कि 90 दिन में कोई भी काम कर देंगे, 12 आदमी 90 दिन में कोई भी काम कर देंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, एक आदमी एक दिन में एक ही काम करेगा। ठीक है, एक काम करेगा, तो 12 आदमी 12 दिन में कितने काम, 12 आदमी एक दिन में कितने काम करेंगे, 12, तो यही 12 आदमी 90 दिन में कितने काम करेंगे, 1080। ठीक है, 12 आदमी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 12 आदमी 90 दिन में कितने काम करेंगे, 1080। तो मान लो जो सारा इन्हें काम करना था वो 1080 था। ठीक है, अब 30 दिन उन्होंने काम कर दिया है, तो 12 आदमी एक दिन में जब 12 काम कर रहे हैं, तो 12 आदमी 30 दिन में कितना काम कर देंगे, 360, यानी काम ये 12 आदमी कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 1080 टोटल काम था, 360 हो चुका है, तो बचा कितना, 1080 माइनस 360, तो 720 काम बच गया। ठीक है, अब ये 720 काम करना है किनको, इन 18 लोगों को, 2 गए और 8 आदमी नए आए, तो 18 लोगों को 720 काम करना है, तो 720 डिवाइडेड बाय 18 ये हमारा आंसर होगा, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो 720 को 18 से डिवाइड करोगे तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डे, बी इन 15 डे, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द सेम वर्क। क्या बोल रहा है कि ए किसी भी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी भी काम को, मतलब किसी भी काम के, से एक ही काम की बात हो रही है, 15 दिन में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। ठीक है, बट अगर इनके साथ में सी और आ जाता है, वो अगर इन ये दोनों तो हो जाए एक साथ, पर सी और आ जाए इनके साथ, तो 5 दिन में सारा काम कर सकते हैं, ये बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारा 60, तो ए एक दिन में करता है 3 काम और बी एक दिन में करता है 4 काम। ठीक है, टोटल 60 काम इन्हें करना है, पर इसने बोला है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाएं, अगर तीनों के तीनों एक साथ मिल जाए, तो 5 दिन में सारा का सारा काम कर सकते हैं, ये जो 60 काम है 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर इसको हम देखें, टोटल काम है 60, 5 दिन में ये खत्म कर देंगे, तो यानी एक दिन में 12 काम करते होंगे भाई। अगर 5 दिन में मैं 60 काम करूंगा तो एक दिन में 12 काम करूंगा, ठीक है। बट ए और बी एक दिन में 7 ही काम करते हैं, तो बाकी का 5 काम एक दिन में कौन करता होगा? सी करता होगा। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, ठीक है। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो सी जब एक दिन में 5 काम करेगा तो ये 60 काम कितने दिन में कर देगा? 12 × 5 = 60, यानी 12 दिन में कर देगा। आंसर हमारा ये होगा 12। एक बार और समझाता हूँ, समझो इस क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब इसने एक चीज यहां पर क्या लिखी है कि अगर इन दोनों के साथ में सी भी मिल जाता है तो ये उसी काम को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में खत्म कर देंगे। मतलब ऐसे मान लो कोई तीन दोस्त हैं, दो दोस्त पहले काम कर रहे थे, दोनों दोस्तों ने मिलके जो अलग अलग काम कर रहे थे, तो एक दोस्त 20 दिन में कर दे रहा था, दूसरा वाला 15 दिन में कर दे रहा था। पर जब तीनों दोस्त मिल जाते हैं तो ये सारा का सारा जो भी काम था वो 5 ही दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं टोटल काम कितना था। तो हमने एलसीएम निकाला 60, हमने मान लिया 60 काम है टोटल। तो ए एक दिन में करता है 3 काम और बी एक दिन में करता है 4 काम, ठीक है। अगर हम दोनों के हिसाब लगाएं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे तो करेंगे 7 काम, 3 + 4 कर देंगे 7 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इसने बोला कि अगर तीनों के तीनों मिल जाते हैं तो 5 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, 5 दिन में सारा काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो टोटल काम कितना था? 60 था, और 5 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में 12 काम करते होंगे, ठीक है। एक दिन में 12 काम होगा, और ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं, तो बाकी का बचा 12 - 7 यानी 5 काम कौन करेगा? सी करेगा। तो सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बाकी तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। तो आंसर क्या होगा? 12, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 दिन में शशि किसी भी काम को कर सकती है, ठीक है, अच्छी बात है। तो तानिया इज 25% मोर एफिशियंट देन शशि, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। इसने क्या बोला है? शशि एक काम को 20 दिनों में करती है, तानिया शशि से 25% अधिक कुशल है, मतलब 25% ज्यादा अच्छी है काम करने के मामले में। तो उसने बोला है कि तानिया सेम समान काम को, मतलब उसी काम को कितने दिन में कर लेगी भाई? शशि किसी काम को 20 दिन में कर देती है, ठीक है, पर तानिया जो है, ये तानिया जो लड़की है 25% बेटर है, मतलब शशि से, ठीक है। तो मानो अगर शशि एक दिन में 4 काम करती होती, एक दिन में 4 काम करती है, तो तानिया एक दिन में 5 काम करेगी भाई। 25% अधिक कुशल है ना, तो 4 तो करेगी करेगी, इसका 25% और निकाल दो यानी 1, तो 5 काम करेगी तानिया, ठीक है। शशि 4 काम करती है और तानिया 5 करती है, तो शशि 20 दिन काम करती है, तो एक दिन में 4 करती है, तो 20 दिन में कितना करेगी? 80। टोटल काम कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। तो तानिया कितना कर रही है? 5 एक दिन में 5 काम करती है, तो 80 काम कितने दिन में करेगी? 80/5 में कितना होगा? सॉल्व कर दो, 16, 16 20, 16, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज, अच्छा। बी कैन डू टू टू फिफ्थ ऑफ हिज वर्क इन 10 डेज, ठीक है। बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, मतलब क्या कहना चाह रहा है? ए किसी काम को, ए किसी काम का, मतलब कोई भी काम है हमारे पास, उसका एक तिहाई हिस्सा यानी 1/3 5 दिनों में खत्म कर देता है, ठीक है। बी उसी उसी काम का 2/5 हिस्सा 10 दिन में करता है, तो दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में खत्म कर देंगे काम? हम क्या करेंगे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि जो ये नीचे वाला पार्ट है यानी डिनोमिनेटर जो है, इनका एलसीएम ले लो, यानी टोटल काम मान लो 15 है, 5 और 3 का एलसीएम लोगे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका 1/3 निकाल लो, एक तिहाई निकालो, तो ए यानी ए 5 दिन में 5 काम करता है, ठीक है, 5 दिन में 5 काम करता है,
फिर 2/5 निकालो इसका 15 का, 2/5 निकाल दो, तो यानी 5 या बी 10 दिन में, बी 10 दिन में 6 काम करता है, ठीक है? तो यानी बी 10 दिन में 6 कर रहा है, ए 5 दिन में 5 कर रहा है, तो ए 1 दिन में 1 काम करता होगा और बी 1 दिन में कितना करेगा, 0.6, कितना करेगा 0.6। टोटल काम कितना करना है 15, टोटल कितना काम करना है 15 करना है। तो अगर मैं दोनों को अगर मिला देते हैं, दोनों एक साथ काम करें, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1.6 काम करेंगे, टोटल कितना काम करना है 15, तो 15 काम कितने दिन में कर देंगे, 15/1.6, 15/1.6, तो आंसर कुछ 9 point something आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन है 9 में, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या करना है, जब किसी भी काम का हमें 1/3 हिस्सा दे रखा है, 2/5 हिस्सा दे रखा है, कैसे भी दे रखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, हमें काम ही नहीं बताया, हमें पता ही नहीं है, तो उनका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा है नीचे वाले पार्ट का, ठीक है, एलसीएम लिया तो 15 आ गया, ठीक है। अब हमें आसानी रही है, आसानी कैसे रही है, टोटल काम 15 है, ए इस 15 काम का 1/3 हिस्सा यानी 5 काम सिर्फ 5 दिन में खत्म कर देता है, बी इसका 2/5 हिस्सा यानी 6 काम 10 दिन में खत्म करता है, तो इससे 1 दिन का काम निकालेंगे, ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, और बी 1 दिन में 0.6 काम करेगा, दोनों एक साथ मिल जाएं तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1.6, तो फिर 15 को भाग दे दो 1.6 से, तो आंसर आ जाएगा 9 point something कुछ, तो वो हमारा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर 440 रुपीज में, तीनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट उठाया 440 रुपए में, टुगेदर ए एंड बी डू 9/11 ऑफ द वर्क, ठीक है, द शेयर ऑफ सी शुड बी, तीनों ने कोई ठेका लिया है 440 रुपए में, ए और बी ने 9/11 काम कर दिया, तो सी का हिस्सा क्या होना चाहिए, देखो ए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ए और बी ने 9/11 काम करा है, मान लो कि जो टोटल काम था, जो सारा टोटल काम था वो 11 था, मतलब सारा का सारा काम 11 है, ए और बी ने उसका 9 काम कर दिया है, ठीक है, तो बाकी बचा 2 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा, बाकी बचा 2 काम किसने किया होगा, सी ने, अब जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, सी ने कितना काम किया है, 2 काम किया है, 440, कितने काम का 2 काम किया है, 11 काम का, तो 11 2/11 सॉल्व कर दो इसको 40 बार, तो टोटल सी को 80 रुपए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दे अंडरटेक टू कंप्लीट इट टुगेदर फॉर 450 रुपीज, मतलब इन्हें जो टोटल पैसे मिलेंगे, एक एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, वे एक साथ पूरा करने के लिए 450 रुपए लेते हैं, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन का कितना ले रहे हैं, 450 रुपए ले रहे हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा ये हमें बताना है, एलसीएम निकाल दो, 30 आ गया, 30 नहीं आएगा, 60 आएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, ठीक है, एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, तो टोटल 1 दिन में 9 हो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5/9 × 450, यानी 50 × 5 कितना हो गया, 250 हो गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी कैन डू अ डू द सेम वर्क इन 12 डेज, अगर ए प्लस बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो उस काम को 8 दिन में खत्म कर देते हैं, बी और सी मिल जाते हैं तो वो उस काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, फिर बोला है ए बी सी तीनों अगर मिल जाएं, तीनों के तीनों मिल गए तो उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो हमें बताना है कि ए प्लस सी अगर ए और सी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में होगा, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, एलसीएम कितना आएगा इसका, 48, सॉल्व करो, 8 × 48, 12 × 4 = 6, 8, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले ये निकाल लो ए एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो, बी प्लस सी कितना है, 4 है,
ए प्लस बी प्लस सी 8 है और बी प्लस सी पुट कर दूं तो 4 ए प्लस 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ए एक दिन में चार काम करता है, इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, चार। अब क्या करो, सी की वैल्यू निकालो, सी एक दिन में कितना काम करता है। तो अब ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8, ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो 6, 6 ना, ए प्लस बी देखो 8, तो 6 की सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी ए एक दिन में चार काम करता है, बी एक दिन में दो काम करता है, टोटल काम कितना करना है 48। तो एक दिन में चार कर रहा है, सी एक दिन में दो कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे और 48 काम इन्हें करना है, तो कितना टाइम लगेगा इन्हें, 8 दिन लग जाएंगे। आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए किसी भी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, सही है। बी 60% मोर एफिशियंट देन ए, अच्छा, देन बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन, क्या बोल रहा है, एक निश्चित काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, समान काम को करने के लिए करने में बी कितने दिन लेता है। मतलब अगर ये ए से 60% अधिक कुशल होगा तो उसी काम को कितने दिन में कर देगा, एक 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए एक दिन में 10 काम करता होगा, तो बी एक दिन में कितना करेगा, 16 करेगा। भाई 10 का 60% ज्यादा है, तो 10 का 60% कितना होगा, 6, तो यानी 10 प्लस 6 कितना होगा, 16। तो बी कितना करेगा, 16 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर ए ने एक दिन में 10 काम किया होगा तो 12 दिन में कितना काम करेगा, यह कह रहा है ना, किसी भी काम को 12 दिन में कर देता, उस काम को 12 दिन में कर देता है। तो एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना किया होगा, 120। तो टोटल काम कितना है हमारा, 120 है। अब बी एक दिन में 16 काम करता है तो 120 काम कितने दिन में करेगा, 120 बटे 16, 120 बटे 16। अब इसको डिवाइड करो, 2 से काट दो 8 बार, 2 से 6 60 गया, 2 से 4 बार 30 बार, 2 और 15 7.5 आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, कोई आदमी है वो किसी काम को 10 दिन में कर देता है, वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ठीक है। एक आदमी किसी भी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है और वुमेन उस काम को 20 दिन में, कोई औरत उस काम को 20 दिन में करती है, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में मैन विद 60% एफिशिएंसी एंड वुमेन विद 50% एफिशिएंसी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। वो बोला है कि जो टोटल काम है, जो भी काम है हमारा, अगर आदमी सिर्फ अपनी 60% क्षमता लगाए और औरत अपनी 50% क्षमता लगाए, तो कितने दिन में दोनों मिलके फिर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं जरा इसको, मान लो आदमी एक दिन में 10 काम करता है, तो अगर ये अपनी 60% क्षमता लगाएगा तो एक दिन में 6 काम करेगा, ठीक है। भाई हमने माना कि एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, तो उसने बोला ना फिर जो उसे बाद में काम करना, अभी चलो उसको छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं, एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, ठीक है, इसने फिर 10 दिन काम किया तो इसने टोटल काम कितना किया होगा, 100, यानी टोटल काम कितना किया होगा, 100। तो जो औरत है वो उसी काम को, यानी 100 काम को 20 दिन में कर देती है, यानी औरत एक दिन में 5 काम करती होगी, एक दिन में 5 काम करती होगी, आदमी एक दिन में 10 काम कर रहा है और औरत एक दिन में 5 काम कर रही है, ये बात हमें पता चल गई। बट अब क्या कह रहा है कि अगर आदमी अपनी सिर्फ 60% क्षमता लगाता है, यानी आदमी पहले 10 काम कर रहा था, अब करेगा 6, 60% क्षमता लगाई है, और औरत अपनी 50% क्षमता लगाती है, यानी जो एफिशिएंसी है औरत विमेन की वो भी 50% हो गई है, तो यानी पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 2.5। तो अब दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 8.5 वर्क सिर्फ, ठीक है, 8.5 वर्क करेंगे। तो फिर क्या बोला, एफिशिएंसी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क,
तो ये बोलना चाह रहा है एफिशिएंसी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो अब हमें बताना है कि टोटल वर्क कितना है, 100 है, दोनों एक दिन में करते हैं 8.5 काम, तो इस 100 काम को कितने दिन में कर देंगे, 100/8.5। तो अगर हम इसे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो यहाँ से इसका डबल कर दो, पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो ऊपर, और 17 बार कट जाएगा 5 से, और 5 से कट जाएगा 200 बार, तो 200/17 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए और बी मिल जाते हैं तो किसी भी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, हम समझ गए। इफ बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड बी डज 3/4 वर्क ऑफ द टोटल, ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ये क्या कह रहा है कि ए और बी अगर मिल जाते हैं तो किसी भी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब जो 24 दिन इन्होंने काम किया उसमें हमने देखा कि जो टोटल काम था उसका 3/4 हिस्सा बी ने ही खत्म किया है, यानी अगर ए एक दिन में एक काम करता था तो बी एक दिन में 3 काम करता है, इससे हमें ये पता चला। दोनों ये बोल लिखा ना, इफ बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया तो बी ने जो सारा वर्क था उसका 3/4 हिस्सा खुद खत्म किया है, तो ए कितना कर रहा होगा, 1/4 हिस्सा। तो यानी ए अगर एक काम करता है तो बी कितना करता है, 3 काम करता है एक दिन में। तो उसने पूछा है कि देन हाउ मेनी डेज विल ए अनोल कंप्लीट द वर्क, ठीक है, कितने दिन में ए अकेला इस काम को खत्म कर देगा। तो क्या करते हैं, दोनों 24 दिन ले रहे हैं और दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, ये बात हमें यहां से पता चल गई। तो टोटल काम कितना हो गया, 24 × 4 यानी 96, 96 काम हो गया टोटल, 96 काम हो गया। और अब हमें ये भी पता है कि ए एक दिन में एक ही काम करता है, तो 96 काम कितने दिन में करेगा, 96 दिनों में करेगा। सिंपल क्वेश्चन था, 96 आंसर होगा। एक बार और समझा देता हूं, ये क्या कहना चाह रहा है, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो वो किसी भी काम को 24 दिन में खत्म कर देते हैं, जो भी हमें काम दिया होगा 24 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि जो बी है वो जितना भी काम था, हमें जितना भी हमें काम दिया है उसका 3/4 हिस्सा खुद करता है, यानी अगर हम मान लें 4 काम एक दिन में करते हैं दोनों, तो 3 काम बी करेगा और 1 काम ए करेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, जिसमें 3 काम कर रहा है बी और 1 काम कर रहा है ए, और इन दोनों ने मिलकर 24 दिन काम किया है। एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, और 24 दिन इन्होंने काम किया है, तो कितना काम कर दिया होगा, 96। अब फिर हमसे पूछा है कि ए इस 96 काम को कितने दिन में कर देगा। अब हमें यहां से ये पता चला था कि ए एक दिन में सिर्फ एक ही काम करता है, तो 96 ए एक दिन में करता है 1 काम, तो 96 काम कितने दिन में करेगा, 96 दिन में, तो आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये हमारी आज की टाइम एंड वर्क की वीडियो थी, इसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट देखे। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताना कि कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जिसको तुम चाहते हो कि वो वीडियो में इंक्लूड हो, उस क्वेश्चन को भी तुम कमेंट में डाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।